नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 11, हाउ टू कॉपी टेबल डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। ओके, लेट्स चलते हैं एसक्यूएल सर्वर की ओर। यह है मेरा क्वेरी विंडो। तो मेरे पास अभी एक टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल। ओके, एंड आई वांट टू कॉपी डेटा टू अनदर टेबल। ओके, सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल डू सिलेक्ट स्टार। किसमें से कॉपी करना है तो भाई? मुझे कॉपी करना है डिपार्टमेंट टेबल में से, तो सिलेक्ट स्टार कहाँ पे करना है तो भाई इनटू इनटू न्यू टेबल। ओके, सपोज मैं न्यू टेबल का नाम दे देता हूँ न्यू टेबल वन। ओके, लिखिए, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव न्यू टेबल, सो आई विल क्रिएट वन न्यू वन, अनदर कीवर्ड। सो सिलेक्ट स्टार कहाँ से भाई? डिपार्टमेंट में से पूरा कॉपी कर लो और न्यू टेबल में, न्यू टेबल वन नाम का एक टेबल बनाओ, उसमें कॉपी कर दो। फ्रॉम कहाँ से भाई? तो डिपार्टमेंट टेबल में से। ओके, सो डिपार्टमेंट। नाउ रन द क्वेरी प्रेसिंग F5। यू कैन सी फोर रोस इज अफेक्टेड नाउ। सो जस्ट रिफ्रेश दिस टेबल एंड चेक, इज न्यू टेबल वन इज क्रिएटेड? यस, इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड एंड विद द डेटा ऑफ द डिपार्टमेंट। यू कैन सी हियर, न्यू टेबल वन इज जनरेटेड एंड द डेटा ऑफ द डिपार्टमेंट इज कॉपीड टू दिस न्यू टेबल, राइट? सो सिलेक्ट स्टार कहाँ से भाई? तो डिपार्टमेंट के टेबल में से। कहाँ पे करना है तो भाई, जो मैं न्यू टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ उसमें, तो न्यू टेबल का नाम आ गया फ्रॉम डिपार्टमेंट। बस इतना सा ही है। अगर सपोज ये जो अभी मेरा न्यू टेबल वन क्रिएट हुआ है, उसमें अगर मुझे दो फील्ड ऐड करनी है तो मैं कैसे करूंगा? तो आई विल यूज, मैं क्या करूंगा, आई विल यूज DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, फॉर दैट आई विल यूज ऑल्टर टेबल, यानी कि टेबल को चेंज करो एंड एड टू अनदर कॉलम्स। ओके, मुझे और दो कॉलम ऐड करनी है, तो ऑल्टर टेबल ऐड, ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम देना है, यानी कि न्यू टेबल वन। ओके, इस टेबल को चेंज करो, उसमें दो फील्ड ऐड करो। कौन कौन सी? तो भाई मैं बोलता हूं कि समझ लीजिए, इसमें से मुझे आईडी और सैलरी, या तो खाली सैलरी मुझे कॉपी करनी है, चलो ठीक है। तो ऑल्टर टेबल न्यू टेबल वन ऐड सैलरी। ओके, ऐड सैलरी, और डेटा टाइप क्या रहेगा तो भाई स्ट्रिंग, ठीक है, सैलरी का इंटीजर रहेगा, ठीक है, इंटीजर। ऑल्टर टेबल न्यू टेबल वन ऐड सैलरी इंटीजर, सो वन कॉलम ऐड हो जाएगी। ये मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आप ये देखने जाएंगे, सिलेक्ट स्टार इनटू न्यू टेबल फ्रॉम, तो उसके लिए मैं, मुझे ये लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल वन। ओके, सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हैं सैलरी नाम की कॉलम मेरी ऐड हो चुकी है। अब मुझे ये सैलरी की कॉलम में अगर मुझे डेटा ऐड करना है एम्प्लॉय के टेबल में से, सैलरी का जो डेटा है, जैसे कि मैं इसको खोल के दिखा रहा हूं आपको, ये सैलरी का डेटा है, मुझे न्यू टेबल वन में इसे डालना है, तो मैं क्या करूंगा कि क्वेरी मुझे यूज करनी पड़ेगी। अभी ये जो मेरा टेबल है, इसमें सैलरी नाम की कॉलम है लेकिन इसमें डेटा नहीं है, और मुझे डेटा डालना है एम्प से, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू की क्वेरी यूज करता हूँ। ओके, चलिए, इंसर्ट इनटू, भाई कहाँ पे इंसर्ट करना है तो भाई, ये जो मेरा न्यू टेबल वन बना है इसमें इंसर्ट करना है। ओके, इंसर्ट इनटू दिस न्यू टेबल वन, और कौन सी फील्ड में ऐड करना है तो भाई, ये जो सैलरी की कॉलम जो खाली दिख रही है ना, जिसमें डेटा नहीं है, उसमें ऐड करना है, तो सैलरी। ओके, इंसर्ट इनटू न्यू टेबल वन सैलरी। अब कहाँ से कॉपी करना है सैलरी का डेटा तो भाई, एम के टेबल में से। ओके, सो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट
सैलरी फ्रॉम, राइट, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम, इतना लिखने से आ जाता है यहां पे एरर दिखा रही, इंसर्ट इनटू न्यू टेबल वन। कौन से फील्ड में? तो भाई सैलरी की फील्ड में। कहां से? तो भाई सिलेक्ट सैलरी की फील्ड फ्रॉम एम टेबल में से। ओके चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ इस दिस क्वेरी को एंड प्रेस F5। यस, 6 रोज आर अफेक्टेड। ओके नाउ नाउ चेक योर टेबल, न्यू टेबल वन। सो सिलेक्ट दिस क्वेरी, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट और प्रेस F5। यू कैन सी हियर ऑल द डेटा ऑफ द सैलरी टेबल इज नाउ सिलेक्टेड हियर। ओके व्हाई दिस नल वैल्यू इज हैपन, बिकॉज इनसाइड ऑफ द एम टेबल देर इज ओनली 6 रोज, बट इन आवर आवर न्यू टेबल देर इज 10 रोज। सो अनदर रोज विल बी नल एंड द रिमेनिंग रोज विल बी फिल्ड अप बाय दिस एंड इनसाइड ऑफ दिस एम टेबल। There is only 6 rows, so all the rows after this rows will be filled. Okay, so यही था आज के लिए, इतना ही। आपने देखा ये copy table कैसे किया जाता है, यहाँ से new table भी generate हो जाएगा। select star into new table one from department, इससे क्या होगा, एक new table create होगा और copy data होगा department table से और उसमें add हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, सैलरी की फील्ड ऐड की ऑल्टर टेबल DDL कमांड का यूज करके। ये जो बाकी है ये DML कमांड्स है, और लेकिन ये ऑल्टर टेबल वाला ये DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो हमने एक सैलरी की ऐड फील्ड ऐड कर दी और उसके अंदर हमने डेटा ऐड कर दिया, कहाँ से? तो भाई सैलरी के टेबल से। ओके सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम, कहाँ पे? इंसर्ट इनटू न्यू टेबल वन वेयर द सैलरी फील्ड इज। ओके तो इस तरह से ये अचीव किया हमने, कॉपी डेटा फ्रॉम द सेम डेटाबेस। ओके नाउ वी विल सी हाउ टू कॉपी डेटा फ्रॉम अनदर डेटाबेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ये इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज करके सब्सक्राइब करें, मेरी चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।